नमस्कार। आज का हमारा पाठ है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। ये अपनी दादी के बारे में उन्होंने एक चित्र बनाया है, यानी कि लिख करके अपनी दादी माँ का एक उन्होंने वृत्त चित्र बनाया है। वह कहते हैं कि उनकी दादी और लोगों की दादी की तरह ही एक वृद्ध महिला थी, ओल्ड वूमन थी वो। 20 वर्षों से मैं उसे जानता था। वो कहते हैं कि वो उसे 20 वर्षों से जानते थे और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। लोग कहते हैं कि वह कभी बहुत सुंदर हुआ करती थी, उनके पति भी थे। लेकिन यह बात लेखक के लिए मानना कठिन था कि उनके पति थे। लेखक के दादाजी का चित्र ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था और उन्होंने बड़ी पगड़ी, ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। उनकी दाढ़ी भी थी जो उनकी छाती के हिस्से को ढकती थी। कम से कम वह 100 वर्ष के दिखाई देते थे और इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे कि उनकी पत्नी भी है या बच्चे भी हैं। लेकिन वह ऐसे दिखते थे मानो उनके बहुत ज़्यादा पोते पोतियाँ हों, यानी कि वह बहुत ही बुजुर्ग दिखाई देते थे। जहाँ तक लेखक की दादी के युवा और सुंदर होने की बात है, तो यह विचार भी भयंकर प्रतिक्रिया पैदा करने वाला था, क्योंकि दादी इतनी सुंदर दिखाई नहीं देती थी। लेखक की दादी लेखक को हमेशा खेलों के बारे में बताती थी जो वह बचपन में खेला करती थी, और यह उसके लिए बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और अशोभनीय प्रतीत होता था। और हम इसे पैगंबरों की कहानियां जैसा मानते थे, क्योंकि लेखक को यह विश्वास नहीं होता था कि उनकी दादी खेल भी खेला करती थी। वह जो थी लेखक की दादी, बहुत ही छोटे कद की, मोटी सी और कुछ झुकी हुई सी थी। उनके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ थी। लेखक का विश्वास था कि वह हमेशा ही झुर्रियों वाली रही होंगी, और वह इतनी बूढ़ी थी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि लेखक उनको 20 साल से उसी प्रकार से देखता चला आया था। और वह बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर घर में थोड़ा लंगड़ाती हुई सी घूमती थी, और उनकी पीठ जो थी उसको झुकने से बचाने के लिए वह अपने कमर पर अपना हाथ रखती थी। दूसरे हाथ में वह माला रखती थी और मोतियों को घुमाती रहती थी। उनके चांदी जैसे बाल थे, उनके चांदी जैसे बाल पीले और सिकड़े हुए चेहरे पर बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए रहते थे, और उनके होंठ हिलते रहते थे कोई प्रार्थना जैसे वो करती रहती थी। हाँ, वह सुंदर थी। लेखक कहता है वह पर्वतों में शीत के दृश्यों की तरह थी। स्वच्छ सफेद शांति का विस्तृत क्षेत्र जहाँ शांति तथा संतोष समाया था। लेखक क्या कहता है कि उनका चेहरा देख करके बिल्कुल शांत जैसे कोई दृश्य हो। सर्दी में जैसे पहाड़ों पर जब हम जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल शांति नज़र आती है, उस प्रकार से उनका चेहरा सफ़ेद बालों के भीतर बिल्कुल शांत नज़र आता था। लेखक और लेखक की दादी दोनों फ्रेंड्स थे। उनके माता पिता ने, लेखक के माता पिता ने दादी के पास उनको छोड़ दिया था जब वो अपने आप को शहर में सेट करने के लिए चले गए थे। वो उन्हें सुबह उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती थी, नहलाती, कपड़े पहनाती, और सुबह की प्रार्थना को वह अपने स्वर में गुनगुनाती रहती थी। लेखक को लगता था कि वह उस प्रेयर को याद कर लेगा। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ सुंदर लगती थी, अच्छी लगती थी, लेखक कहता है, परंतु मैंने कभी इसे सीखने की परवाह नहीं की। फिर वह मेरी लकड़ी की तख्ती ले आती, तख्ती होती थी पहले लिखने के काम में ली जाती थी। पहले लिखने के लिए नोटबुक्स नहीं होती थी तो तख्ती पर लिखा जाता था, और पहले उसे धोया हुआ और पीली मिट्टी से लेपा हुआ होता था।
तख्ती पर लिखने के लिए पहले उसे मिट्टी घोल करके, मुल्तानी मिट्टी को पानी में घोल करके उस पर एक पेस्ट का लेप लगाया जाता था और एक छोटी सी मिट्टी की दवात और एक लाल कलम, इन सब को वह एक बंडल में बांध देती और फिर लेखक को दे देती। एक मोटी बासी रोटी पर थोड़ा मक्खन और चीनी लगाती और हम नाश्ता करते और स्कूल जाते। वह कई बासी रोटियां अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए भी लेकर के जाती थी। लेखक की दादी हमेशा उसके साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही था। पुजारी वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना उन्हें सिखाता था। जब बच्चे लाइन में बरामदों में दोनों तरफ बैठकर के अल्फाबेट्स पढ़ते थे तो एक साथ मिलकर के प्रार्थना भी किया करते थे और दादी मंदिर में बैठकर के पूजा पाठ किया करती थी और जब दोनों का काम हो जाता तो दोनों साथ ही वापस आ जाते। इस समय गांव के कुत्ते उन्हें मंदिर के दरवाजे पर मिलते और दादी जो रोटियां साथ लेकर के जाती थी वह उन्हें खिला देती। वे कुत्ते जो थे घर तक लेखक का पीछा करते थे और इस प्रकार रोटियां उन्हें लेखक फेंकता रहता था। जब माता पिता यानी लेखक के माता पिता शहर में सेट हो गए तो उन्होंने लेखक को बुला लिया और यहाँ हमारी मित्रता में एक मोड़ आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया दादी की मित्रता में। यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। दादी स्कूल में साथ नहीं जाती थी तो लेखक मोटर बस में अंग्रेजी स्कूल में जाता था, ना वहाँ कोई कुत्ते होते थे। दादी हमारे शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को खाना खिलाया करती थी। जैसे जैसे समय बीता, बहुत सारे वर्ष बीत गए तो लेखक और लेखक की दादी कम मिलने लगे। कुछ समय तक वह लगातार जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। जब वापस आता तो पूछती कि अध्यापक ने उनको क्या पढ़ाया, यानी टीचर ने उनको क्या पढ़ाया, और लेखक उनको कुछ अपने जो उन्होंने अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग्स पढ़े होते थे और कुछ साइंस की बातें या गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी और ये सब, उन्हें आर्किमिडीज का सिद्धांत, पृथ्वी गोल क्यों है, ये सब बातें बताती थी और वह दुखी हो जाती थी ये सब सुन करके। वह मेरे पाठों में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। वह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी और लेखक को इस बात का दुख था कि वहाँ परमात्मा और धर्म ग्रंथों के बारे में कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती थी, यानी कि धर्म की कोई शिक्षा वहाँ नहीं दी जाती थी। एक दिन लेखक ने आकर के बताया कि उन्हें म्यूजिक सिखाया जा रहा है और यह सुनकर के वह बहुत परेशान हो गई क्योंकि उनके लिए म्यूजिक सीखना बुरी बात था और यह एक भिखारियों का काम माना जाता था। उसने कुछ नहीं कहा परंतु चुप रह गई, यानी चुप्पी में वह मना कर रही थी क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था। इसके बाद वह मुझसे कभी कभार बोलती थी। जब लेखक यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसे एक अलग कमरा दे दिया जाता है और इस प्रकार से उनकी दादी के साथ मित्रता खत्म हो जाती है। मेरी दादी जी ने एकांतता को बिना किसी प्रभाव के स्वीकार कर लिया, यानी कि अब वह अकेली रहने लगी थी, लेकिन अपना चरखा वह नहीं छोड़ती थी। सूर्योदय से सूर्यास्त यानी सुबह जब सूरज उगता था तब से सूरज छिपने तक वह चरखे पर रहती और अपनी प्रार्थना भजन गाती रहती थी। केवल दोपहर में वह थोड़ा आराम करने के लिए चिड़ियों को दाना डालती। जब वह बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती थी तो सैकड़ों चिड़ियाँ उनके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती और वो चिड़ियाँ चहचहाहट से सचमुच के पागलखाने जैसा दृश्य बना देती थी। ऐसे लगता था, चिड़ियों को देखकर क्या लगता था, कि जैसे कोई पागलखाना हो। कुछ चिड़ियाँ उनकी टांगों के पास बैठ जाती, कुछ कंधों पर, कुछ सिर पर,
तो वह हंसती मुस्कुराती रहती थी, लेकिन चिड़ियों को कभी भगाती नहीं थी। और यह सबसे अच्छा समय होता था। जब लेखक आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय कर लेता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि दादी बेचैन हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें 5 वर्ष के लिए दूर रहना था और उसकी उम्र में कोई कुछ नहीं बता सकता था। परंतु दादी बता सकती थी, लेकिन वह भावना में बहने वाली महिला नहीं थी। वह लेखक को स्टेशन पर छोड़ने आती है और कुछ भी नहीं कहती है, ना ही कोई भावना वह व्यक्त करती है कि उसे दुख हुआ या दुख नहीं हुआ। उसके होंठ प्रार्थना करते हुए हिलते और उसका मन प्रार्थना में खोया हुआ था, और उनकी अंगुलियां जो थी वो माला के मोतियों को रट रही थी। उन्होंने लेखक का माथा चूमा और जब लेखक चला गया तो मैंने उस गीले निशान की छाप को अपने पास रखा, यानी कि दादी की आंखों से जो आंसू आ गए थे वह लेखक को महसूस हो गया था। 5 साल बाद जब लेखक घर पर आता है तो उन्हें स्टेशन पर मिलता है। वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी दिखाई नहीं दी, क्योंकि 5 साल जैसे वो पहले छोड़ कर के उनको गया था वैसी ही वो दिखाई दे रही थी। उसके पास अभी भी बातों के लिए समय नहीं था। मेरे आने के पहले दिन भी उसने सबसे खुशी के पल उसके साथ थे, जब वह चिड़ियों को अधिक समय तक बनावटी डांट फटकार के साथ खाना खिला रही थी। शाम को उसमें एक बदलाव आया और उसने प्रार्थना नहीं की। आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया, एक ढोलक लिया और गाना शुरू कर दिया। कई घंटों तक वह पुरानी ढोलक की ढीली खाल पर थपकी देती रही और योद्धाओं के वापस घर लौटने वाले गीत गाती रही। यानी कि जब सैनिक युद्ध से लौट करके आते हैं तो घर की महिलाएं गीत गाती थी, उसी प्रकार से वह भी गाती रही। और उसके अगले दिन ही वह बीमार हो गई, उन्हें बुखार हो गया। डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि बुखार उतर जाएगा, लेकिन दादी का मानना कुछ और था। वह नहीं मानती थी कि उनका बुखार उतर जाएगा। इस बात का लेखक ने विरोध किया। वह शांति से बिस्तर पर लेटकर फिर से प्रार्थना करती रही और माला जपती रही। इससे पहले कि हम संदेह भी कर सकते, उनके होंठ हिलना बंद हो गए, यानी कि अब वह मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उनकी उंगलियां निर्जीव हो गई थी, उनमें जान नहीं रही थी और बिल्कुल उनके चेहरे पर एक पीसफुल, बिल्कुल पीला हो गया था उनका चेहरा, येलो पेल हो गया था और वह मर गई हैं। लेखक को विश्वास हो गया कि वह मर गई है। एक रिवाज होता है जिसमें उन्हें बिस्तर से उठाकर फर्श पर लेटा दिया गया। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उसे हमने ग्राउंड पर लेटा दिया। कवर्ड हर विद ए रेड स्टाउट, और उन पर एक लाल रंग का कफन ढक दिया गया। मॉर्निंग कर रही थी, सभी लोग विलाप कर रहे थे कुछ घंटों तक, और कुछ आवश्यक प्रबंध किए गए जिससे उनका फ्यूनरल यानी दाह संस्कार किया जा सके। और इस प्रकार से जब सूरज छुप रहा था उसके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, और बरामदे में कमरे में जो थे हम आंगन में ही बीच में रुक गए। सारे बरामदे में कमरे में ठीक वहाँ जहाँ वह मृत लेटी हुई थी सख्त लाल कफन में लिपटी पड़ी थी और सैकड़ों चिड़ियाँ फर्श पर बिखरी हुई बैठी थी। कोई भी चिड़िया आवाज़ नहीं कर रही थी। हमें पक्षियों के प्रति संवेदना हुई और मेरी माँ सबके लिए रोटियाँ लेकर के आई, छोटे छोटे टुकड़े करके जैसे दादी किया करती थी उन चिड़ियों की तरफ फेंक दिया गया, लेकिन चिड़ियों ने रोटी नहीं खाई, उन्होंने रोटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब दादी के शव को लेकर के लोग चले गए तो चिड़ियाँ
चुपचाप उड़ गई। अगले दिन सफाई वाले ने रोटी के टुकड़े झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिए। इस प्रकार लेखक की दादी का यह चित्र उन्होंने लिखा है, जिसमें अपनी दादी के बारे में बताया है कि किस प्रकार से वह पक्षी प्रेमी भी थी और उन्होंने अपनी जीवन की जो उनके साथ क्षण बिताए थे उसके बारे में इस चित्र में बताया है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके